यानी ये एक्सीलेटर हो गया, ये देखिए एक्सीलेटर, ये ब्रेक, इसमें क्लच नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। देखिए ये जो है ना, ये इसको पुश करके आगे पीछे होता है, ये देखिए इसको आगे पीछे करना है गियर को, यानी ये देखिए ये गियर लीवर है, गियर लीवर है तो ये, और ये देखिए शिफ्टर है, ये देखिए, यानी आपको मैनुअल का भी मजा लेना है तो होगी आपको लुकिंग ग्लास का, ये देखिए ये इधर उधर होगा, इससे होगा, ये लेफ्ट का करना है तो लेफ्ट का, राइट का करना है तो राइट का, हमको तो अभी कुछ नहीं करना है। ये देखिए बंद करना है तो इसको पुश कर दीजिए, ये बंद है तो यहाँ पे पार्किंग दिखा रहा है। अभी इसको हम यहाँ पे रिवर्स कर दिए, यहाँ पे देखिए रिवर्स का आगे, ये देखिए सबसे पहले हम इसको ऑफ कर दिए, ठीक है। अब एसी ऑन करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा स्क्रीन टच है, यानी जैसे आप मोबाइल चलाते हैं उसी तरह का ये टच है, इसको हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव विद अमन सिन्हा। कैसे हैं आप लोग, होप सब ठीक होंगे। तो आज आपका भाई अभी आया हुआ है एक ड्यूटी में, आपको तो पता ही है मेरा प्रोफेशनल लाइन जो है वो ड्राइविंग का है, झूठ क्यों बोलना भाई, जो है सो है। तो अभी मेरे पास होंडा सिटी है 2021 मॉडल, ठीक है। तो इसमें हम कुछ फंक्शन दिखाएंगे, और ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल भी आता है ऑटोमेटिक भी आता है, तो ये ऑटोमेटिक है। तो ये कैसे चलाएंगे इसका हम आपको आज रिव्यू देते हैं, देख लीजिए भाई। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पुश कर लें, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़े, भाई को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो प्लीज कर दीजिए। और अपना वीडियो काफी लेट हो गया, यानी करीबन 4-5 महीने के बाद एक वीडियो आ रहा, 4-5 महीना नहीं पर 2-3 महीना तो लग ही गया होगा। थोड़ा सा पर्सनल इशूज थे कुछ, जो की अभी भी ठीक नहीं हुए, बट उसको तो टाइम लगेगा ठीक होने में, उसके चक्कर में तो वीडियो बनाना छोड़ नहीं सकते हैं। तो प्लीज जाके देखिएगा, भाई को सपोर्ट करें। और पहले चलते हैं गाड़ी का बाहर से एक बार व्यू ले लेते हैं, सेलिमेंटिक कौन शॉट कहता है भाई, याद नहीं आ रहा, अगर याद आ रहा हो तो कमेंट में बताना, जब तक हम बाहर से शूट कर लेते हैं। इसमें एक सिस्टम आता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे सेंसर जो है रिक्वेस्ट सेंसर, इसको पुश करने का जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे छुइएगा, खुल गया। तो बाहर से आप लुक देख लिए, आइए इसका कुछ फंक्शन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास होंडा सिटी, आपको भी पता है, और ये ऑटोमेटिक वर्जन है, यानी एक मैनुअल आता है एक ऑटोमेटिक आता है, हमारे पास ऑटोमेटिक है, और इसका हम आपको कुछ रिव्यू दे देते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपना कीलेस कार है, यानी देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये देखिए इंजन स्टार्ट स्टॉप, तो ये है अपना कीलेस कार, और इसमें की लगाने का कहीं भी फंक्शन नहीं है, आप देख लीजिए। और ये है ऑटोमेटिक, देखिए PRNDS, ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चाबी रख दी, आइए अब इसके मेन फंक्शन पे बात करते हैं और दिखाते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका, ऐसे तो नॉर्मली सबका सेम होता है, बट ये आप देख लीजिए, ये देखिए ये जो है पावर विंडो है, इसको ऐसे नीचे करिएगा ये खुल जाएगा, इसको ऐसे करिएगा ऊपर बंद हो जाएगा, ये ऑटो है, इसको एक बार ऐसे कर दीजिएगा तो ये देखिए खुल गया, देखिए अब इसको ऊपर चढ़ाइएगा ये चढ़ जाएगा, देखिए चढ़ रहा है। और ये ऑटो नहीं होता, ये सिंगल होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं हाँ चला गया, अब ये देखिए ये हॉर्न हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया, ये सोर्स हो गया, यानी यूएसबी वगैरह क्या ऐप पे आप कुछ यूज़ करना है, फिर ये हो गया, ये ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करने का हो गया, नहीं ये फ़ोन उठाना और काटने का हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपको क्रूज़ कंट्रोल का, ये क्रूज़ है, और ये हो गया उसका फंक्शन, यानी सेट करना, रीसेट करना वगैरह। और ये अभी डिस्प्ले अपना कुछ देख रहे हैं, सिंपल खाली है। ये अपना हैंड ब्रेक हो गया, क्योंकि अपना गाड़ी अभी बंद है तो पार्किंग में लगा हुआ है, ये देखिए, और यहाँ हैंड ब्रेक लग गया, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पे अपने महादेव हो गए, ठीक है, ये तो दिख गया आपको। और ये एसी का फंक्शन, अभी ये सब काम करेगा, अभी बताते हैं। तो ये एक ओवर व्यू था जो आपने देखा, हर गाड़ी में सेम ही होता है, जैसे विंडो वगैरह का तो सेम ही होता है। अब आते हैं इसके मीटर में कुछ फंक्शन वगैरह है तो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपना चाबी तो देखिए यहाँ लगा हुआ है, यानी रखा हुआ, सॉरी,
बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एक बार पुश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हल्का लाइट आ गया, पहले लाइट नहीं ना था, इसको हम ब्राइटनेस बंद कर देते हैं। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, एक बार और दाबिए, यानी एक बार में करिएगा तो एसी, दूसरे बार में करिएगा तो इंडिकेशन। देखिए इंडिकेशन आ गया, यहाँ अपने डिस्प्ले पे लाइट आ गया, ये काम नहीं करता, ये थोड़ा खराब हो गया इसलिए काम नहीं करता अभी। इस पे देखिए इसका कुछ सिस्टम आप पहले समझ लीजिए, काम देगा। ये देखिए यहाँ पे पी है यानी पार्किंग पे लगा हुआ है, ये आपका हो गया स्पीडोमीटर टोटल, ये स्पीडोमीटर हो गया यानी इस पे आपको कितना में आप जा रहे हैं वो पता चलेगा। ये आपका आरपीएम काटा हो गया यानी ये आरपीएम हो गया। इस पे आपको डीजल वगैरह का या डीजल या पेट्रोल है, जो भी अपना गाड़ी तो पेट्रोल है, तो इसमें देखिए फ्यूल का बता रहा है, अभी फ्यूल हमारा आधा टंकी है मान के चलिए। ये ऊपर डेट बता रहा है, अभी गाड़ी कितना चल चुका है ये बता रहा है। और उसके बाद ये है गाड़ी चलने के ऊपर, इसका क्या नहीं पता हमको, होगा तो बताइएगा। और ये देखिए शिफ्टर है, ये देखिए यानी आपको मैनुअल का भी मजा लेना है तो इससे ले सकते हैं। जैसे देखिए ये उठ रहा है ना, चलने में ये काम करता है, और कम करना है तो इससे। और ये हो गया आपका विंडो का, ये हो गया आपको लुकिंग ग्लास का, ये देखिए ये इधर उधर होगा, इससे होगा। ये लेफ्ट का करना है तो लेफ्ट का, राइट का करना है तो राइट का, हमको तो अभी कुछ नहीं करना है। ये देखिए बंद करना है तो इसको पुश कर दीजिए, ये बंद हो गया, अब ये खुल गया। ये एसी वेंट हो गया, ये अपना इधर एसी वेंट हो गया, एक इधर एसी वेंट है, और ये महादेव है। और ये देखिए एसी का फंक्शन है ये, ठीक है, इसमें समझ में आ गया आपको। अब ये देखिए ये चेंज भी होता है, ऐसे गाड़ी स्टार्ट होने के पहले भी हो सकता है ये चेंज हो। देखिए जैसे अभी ये पी पे है ना, यहाँ देखिए पी पे है तो यहाँ पे पार्किंग दिखा रहा है, अभी इसको हम यहाँ पे रिवर्स कर दिए, यहाँ पे देखिए रिवर्स का आ गया, यहाँ पे बैक कैमरा अपना ऑन हो गया। अब इसको न्यूट्रल करना है तो यहाँ न्यूट्रल हो गया, यहाँ देखिए यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ, न्यूट्रल थोड़ा रेड में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साथ पता चल, यहाँ देखिए न्यूट्रल दिखा रहा है ना, न्यूट्रल यहाँ देखिए न्यूट्रल पे है। अब इसको डी पे करना है तो कुछ नहीं करिए, यहाँ पे डी है, डी पे आ गया। ये एस है यानी स्लो, यानी जाम वगैरह में चलना है तो ये स्लो हो गया, यहाँ पे स्लो आ गया, तो इसको अभी हम पार्किंग में कर देते हैं क्योंकि हम गाड़ी बंद में आपको बता रहे हैं। ये देखिए पार्किंग में हो गया, ये हैंड ब्रेक हो गया, ये कुछ इधर आपको सामान रखने का हो गया, ये हो गया। अब आइए इसके पीछे का कुछ देख लेते हैं, यानी पीछे बैठने वालों के लिए क्या क्या सिस्टम है भाई। तो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के पीछे वाले सीट पे, आप देख सकते हैं इसमें बस सिस्टम के नाम पे आपको यहाँ पे दो एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ पे चार्जर का सॉकेट मिल जाता है, ये देखिए दो, इधर आपको अपना बोतल रख सकते हैं, बट यहाँ मैम लोग तो यहाँ बोतल रख दिए हैं, बट बोतल यहाँ रख सकते हैं आप, बाकी कुछ नहीं है, पीछे यही सिंपल है और ये लाइट वगैरह का है, तो यही है पीछे का। अब इसको आपको हम बताते हैं कि अब इसमें चलाना कैसे है, सीखना कैसे, ये मेजर है, आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी समझिएगा। और हाँ, कभी भी गाड़ी चलाते समय एक आदमी को आप जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके साथ ही ट्राई करिएगा, ऐसे नहीं करिएगा। ये देखिए व्यू है पीछे से, ऐसा लगता है इसमें क्लच नहीं होता, आपको देखिए क्लच यहाँ होता है ना, क्लच नहीं है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है, यानी ये एक्सीलेटर हो गया, ये देखिए एक्सीलेटर, ये ब्रेक, इसमें क्लच नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। देखिए तो ऑटोमेटिक कार को स्टार्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप समझ जाइए। हाँ, और बिल्कुल ये एक चीज, मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी गाड़ी चलाना है, वीडियो देख के गाड़ी नहीं चलाया जाता है, कभी भी गाड़ी चलाना है तो एक एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ जाइएगा, सीखिएगा, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप भी पहले अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करिए किसी भी अपने राज्य के डीटीओ ऑफिस में, उसके बाद एक बंदा ले जाइए जो बहुत एक्सपीरियंस हो गाड़ी चलाने में, उसके बाद कोई फील्ड ग्राउंड हो, खाली जगह हो, उस पर सीखने का, ऐसा नहीं कि रोड पे कहीं भी सीख लेने का, ठीक है। तो अब देखिए इसको स्टार्ट कैसे करना है ये समझिए, तो स्टार्ट करेंगे इसको सिंपल सा, यहाँ पे अपना मेरा देखिए यहाँ पे की है और यहाँ पे मेरा पुश स्टार्ट बटन है, ठीक है, ये देखिए पुश स्टार्ट बटन। अब करना क्या है करते, ये देखिए ये जो है ना, ये इसको पुश करके आगे पीछे होता है, ये देखिए
इसको आगे पीछे करना है गियर को, यानी ये देखिए ये गियर लीवर है, गियर लीवर है। तो ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, बट जो तरीका कहता है कि इसको पुश करके ही कीजिए, इसको पुश करिए उसके बाद आगे पीछे करिए। ये इसका एसी का सिस्टम समझ लेते हैं कि एसी इसमें कैसे काम करेगा। ये देखिए सबसे पहले हम इसको ऑफ कर दिए, ठीक है। अब एसी ऑन करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा स्क्रीन टच है, यानी जैसे आप मोबाइल चलाते हैं उसी तरह का ये टच है। इसको एक बार ऐसे टच किए, ये देखिए चल रहा है। फैन का स्पीड बढ़ाना है, देखिए बढ़ रहा है, ये देखिए। अब इसको कम करना है तो कुछ नहीं, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। फ्रंट पे अगर आपको विंड सील्ड पे चाहिए हवा तो इस पे हो जाएगा, रियर का है ये फ्रंट का है, ठीक है, काम दोनों ही करते हैं। देखिए और जो जो ऑन होगा ये सब होते जाएगा। ए सी ऑफ हो गया, ये ऑटो पे चलाना है तो ऑटो पे कर दीजिए, ये हटा दीजिए, ये देखिए हो गया। अब टेम्परेचर करना है तो ये रेड है, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब माइनस में लाना है टेम्परेचर को तो यहाँ कर दीजिए। ऑफ करना है तो कुछ नहीं, ऑफ कर दीजिए। एक बार पुश करिएगा ऑफ हो गया, एक बार करिएगा ऑन हो गया, एकदम ये मतलब कि फुल्ली आपको टच है, ठीक है। और यहाँ भी सॉकेट है चार्जर का, एक तो मेरा लगा हुआ है, एक देखिए इधर देखिए, ये सब भी है। तो ये हो गया, यहाँ कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ की रख सकते हैं, ये हो गया डिस्प्ले। तो अभी इसको दो तीन पे कर दिए हवा खा। ये तो ऊपर ऊपर का रिव्यू था कार का, होंडा सिटी का। अगर आप चाहते हैं ड्राइविंग का सेकंड पार्ट आए तो इसको लाइक करिए, लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक, बस 1000 लाइक कर दीजिए और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट ले आएंगे ड्राइविंग का। और बाकी गाड़ी का है आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक सबका है, तो प्लीज जाएं भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।